नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां, बैठक में बनाई जाएगी रणनीति। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद। हरीश रावत की पदयात्रा पर राजनीति जारी। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया नौटंकी। गणेश जोशी को हरीश रावत पर आया तरस। हल्द्वानी में प्रतिबंधित पॉलीथीन के गोदाम में छापेमारी। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी। छापेमारी से क्षेत्र में मचा हड़कंप। रुद्रपुर में होगा नारी शक्ति वंदन महोत्सव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। अधिकारियों ने गांधी पार्क का किया निरीक्षण। रामलला के आगमन को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस ने कहा राजनीति करना गलत, संतों और भक्तों को करनी चाहिए कार्यक्रम की तैयारी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से निकाली गई पदयात्रा पर कटाक्ष किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की पदयात्रा का नाम ही सांकेतिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और हरीश रावत नौटंकी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगारी को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजधानी देहरादून में सांकेतिक रूप से यात्रा निकाली है। हरीश रावत जी की पदयात्रा का नाम ही सांकेतिक है और सांकेतिक का अर्थ होता नहीं। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन हो चुकी है और इस प्रकार के विषयों को लेकर अनर्गल रूप से समाज में भ्रांति खड़ा करना चाहती है। जनता ने जवाब दिया है, जनता जवाब देगी और उत्तराखंड की 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी अपने जनाधार के लिए। हरीश रावत जी अब इस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से विशाल पदयात्रा निकाली जा रही है। वहीं इस पदयात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश ने तंज कसा है। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत पर तरस आता है क्योंकि जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए दो जगह से चुनाव हारने का रिकॉर्ड कायम किया हो और जो व्यक्ति अपनी पार्टी के अंदर भी प्रासंगिक नहीं है, उनके कार्यों से जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि जनता उनके चरित्र को जानती है। वह जनता की नजरों में आने के ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जिसका जनता पर कोई असर नहीं होगा। राजी पर तरस भी आता है। जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए दो दो जगह से हारने का रिकॉर्ड कायम किया हो, जो अपनी पार्टी के अंदर भी प्रासंगिक नहीं है, उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, जो सिर्फ मात्र चर्चाओं माने के लिए कभी चकोतरा पार्टी करते हैं, कभी काफल पार्टी करते हैं, कभी खीरा पार्टी करते हैं कि मीडिया में आ जाएं, लेकिन जनता उनके चरित्र को जानती है, कांग्रेस के चरित्र को जानती है, उनके बहकावे आने वाली नहीं है और आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में भाजपा संगठन की बैठक शुरू हुई। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। सभी वरिष्ठ प्रचारकों के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के तहत कार्यक्रम के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाएगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, कैबिनेट मंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।
22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला के आगमन को लेकर जहां एक तरफ सत्ता दल भाजपा जोरों शोरों से तैयारियों में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना सरासर गलत है। भगवान राम संत और भक्तों के हैं और इन लोगों को ही कार्यक्रम की तैयारी करनी चाहिए थी। राम मंदिर का जो है या राम जी के नाम का जो है, कोई अगर राजनीतिकरण कर रहा है, कोई राजनीतिक दल अगर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है तो ये तो गलत है, क्योंकि भगवान संतों के हैं और भक्तों के हैं, तो भक्तों को और संतों को जो है सारा कार्यक्रम तय करने देना चाहिए था। इसमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस के नैतिक बल में कमी होने की बात करते हैं। यदि मुख्यमंत्री में नैतिक बल है तो अंकिता भंडारी के पिता ने जिलाधिकारी पौड़ी को पत्र लिखकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने का साहस दिखाएं। महारा ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस को नसीहत देने के बजाय अपने गिरेबान में झांकें और अपने दल में फैली गंदगी को साफ करने का काम करें। महारा ने कहा कि राज्य सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह इस मामले की व्यापक जांच करके जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करे। बड़े नेता अजय सिंह, अजय कुमार पे आरोप लगा। अंकिता मर्डर केस में एक नया चीज सामने आई है। अंकिता के पिताजी का एक पत्र ये कल प्रेषित हुआ है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता अजय सिंह, अजय कुमार पे आरोप लगाया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे नैतिक बल की बात ना करें, पहले नैतिक बल अपने अंदर लाएं और इस प्रकरण की, इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देख रेख में कराने का काम करें, क्योंकि हमें किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं। क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई से जाँच की बात की थी तो आपका एक विभाग जो है उसके उस जाँच के विरोध में। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज भनबूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन की एक गोदाम में छापेमारी की है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मौजूद रही। यह कार्रवाई ख्वाजा मस्जिद के पास दवई नगर में की गई है, जहां पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कार्रवाई में जुटे हुए हैं। उनकी ओर से निर्देश दिए गए हैं कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री ना की जाए, जो भी उसका इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए, जहां भी ऐसे गोदाम पाए जाते हैं उन पर छापेमारी की जाए। उधम सिंह नगर में इससे पहले 5-6 फैक्ट्रीज को भी सीज किया गया जो इनका उत्पादन कर रहे थे, लेकिन आज पाया गया कि यहां पे और इस तरह का उत्पादन जो उधमसिंह नगर की कुछ फैक्ट्री से आ रहा है वो यहाँ पे प्रतिबंधित था और यहाँ पे मिला। इन सबको सील किया गया, इस गोदाम को भी, अभी सारे सामान को नगर निगम जब्त कर लेगी, जो फाइन है वो इस पर लगाया जाएगा। और आप लोग के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ सभी को कि ये हम सब की भलाई में है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हम उपयोग ना करें, कैरी बैग्स का उपयोग ना करें, झोला लेके चलें। और आपकी जो हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति। देव दर्शन कार्यक्रम के तहत आवास विकास स्थित निजी कॉलेज के 450 छात्र रविवार को हरिद्वार की धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के तहत सभी छात्र विश्व प्रसिद्ध मां चंडी देवी मंदिर जाएंगे, जहां स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत मंदिर के पुजारियों के साथ मिलकर छात्रों को मंदिर के धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा पर जाने वाली बसों को स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और पूर्व प्रधानाचार्य गिरीश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
किया। स्कूल की ओर से देवदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन वर्ग का आभार व्यक्त किया है। रुद्रपुर के गांधी पार्क में 10 जनवरी से नारी शक्ति वंदन महोत्सव आयोजित होगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसको देखते हुए विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी सीओ और रुद्रपुर विधायक ने गांधी पार्क में पहुंचकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपा है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम 10 तारीख को रखा गया और उद्देश्य यही है, शासन का भी सरकार का भी, कि मातृशक्ति को जैसे विभिन्न स्तरों पर, चाहे भारत सरकार के स्तर पर हो चाहे स्टेट लेवल पर, तो उनको जो सम्मान दिया गया है वो तो उसी की कड़ी में एक बृहद कार्यक्रम इस जनपद में भी आयोजित किया जा रहा है। और 10 तारीख को नारी शक्ति बंधन के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने की सहमति दी है। इस जनपद के हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किए जाने के लिए बड़ा उत्साह दिखाया है और अपनी सहभागिता भी दी है। तो मुझे उम्मीद है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, सारी तैयारियां चल रही हैं और नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बेहतर तरीके से होगा। मोटिवेशन मिलेगा महिलाओं को, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा। रानीखेत में भतरौंज खान के हीरानंद महाराज मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने दीप प्रज्वलित कर हीरानंद महाराज पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान ककलासो क्षेत्र के ग्रामीणों ने फूल मालाओं से विधायक का स्वागत किया। ककलासो क्षेत्र के लोगों को इस योजना के बनने से एक बड़ी पेयजल समस्या से निजात मिल पाएगा। वहीं इस पंपिंग पेयजल योजना के बनने से लगभग 26 ग्राम पंचायतों की 46 राजस्व ग्राम भावित होंगे। डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि 6 योजनाओं में से लगभग 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया है। ककलासो क्षेत्र की जनता को हीरानंद महाराज पंपिंग पेयजल योजना के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है। आज ककलासो क्षेत्र के लगभग 26 ग्राम सभाओं के 46 राजस्व गांवों के लिए 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना की, जो हमारी 6 योजनाएं थी उनको एक साथ आज उनका उद्घाटन किया है, उनका शुभारंभ किया है। और पूरे क्षेत्र की जो लगभग 12,500 की आबादी थी वो पिछले लंबे समय से पेयजल की उपलब्धता नहीं होने के कारण बड़ी दुखी थी, बहुत परेशान थी और निरंतर इसका मांग कर रही थी कि यहाँ पेयजल योजना का निर्माण किया जाए। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने सांसद श्री अजय टमटा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहां पर 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत की और आज उसका हमने। प्रदेश में बीते साल जिस स्तर से बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी वह देखने को नहीं मिली है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी ना होने से इसका सीधा असर फसलों और बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले साल बारिश सामान्य से बहुत कम दर्ज की गई है, चाहे मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की। हालांकि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश और बर्फबारी बीते साल जरूर कहीं कहीं देखने को मिली थी। अंकिता हत्याकांड मामले में सुर्खियां बटोरने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से शिक्षा विभाग के काले कारनामों को
उजागर करने का काम कर रहे थे, जिसके कारण पूर्व शिक्षा अधिकारी रहे दो अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। इसके कारण पौड़ी निवासी व्यक्ति ने उन पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही उनके तीन अन्य साथियों पर भी SC/ST एक्ट का मुकदमा थाने में दर्ज हुआ है। इधर CO सदर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि 1.5 साल पहले राजा कोहली ने लिखित में शिकायत दी थी कि 3 से 4 लोगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इसके साथ ही उन्हें मारने और अन्य धमकियां भी दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उन्होंने एक आदमी प्लांट किया हुआ है वहां पे, राजेश सिंह राजा कोहली। ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और ये एक फर्जी कंप्लेंट मेरे खिलाफ दर्ज कराना चाहता था, और फर्जी कंप्लेंट ये पहले भी कई लोगों के खिलाफ दर्ज करा चुका है और कई लोगों को ये फंसा भी चुका है, और इसकी ये आदत है और ये कोई इसका रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। ये पिछले 2 साल से फेसबुक पर मेरे खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे परिवार के खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे मित्रों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करता रहा। हाँ, एक ये राजा कोहली हैं, वादी हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसके आधार पर जो है कल कोतवाली पौड़ी में एक मुकदमा कायम हुआ है। 5506 IT एक्ट और SC/ST एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना जो है की जाएगी। कितने लोगों ने किया होगा इसमें? लगभग 4 लोग हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहें इवन उत्तराखंड। गुलाबी परकोटे से लेकर मेट्रो में दौड़ लगाते जयपुर की हर खबर देखिए एवन जयपुर में रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। जो बनकर मेरा हम सफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायवाला पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी धरपकड़ के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस को खांड गांव में लगे मोबाइल टावर से बैटरी चोरी होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोर की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। उप निरीक्षक विनेश कुमार की टीम ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान दीपक चंद्र हटवाल निवासी चमोली के रूप में हुई है। वह एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और एक होटल में वेटर का काम कर रहा है। पूछताछ में दीपक ने बताया कि उसने अपने दोस्त लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल के साथ मिलकर टावर की बैटरी चोरी की। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 24 बैटरी और टावर से बैटरी खोलने के उपकरण बरामद किए गए हैं। जिले में बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए उद्धम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 10 तारीख तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर अपने चरम पर है और पारा 5 डिग्री तक गिर रहा है और सुबह के समय घना कोहरा होने की वजह से जीरो विजिबिलिटी की दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश के आदेश दिए हैं। वहीं स्कूलों में अन्य प्रशासनिक कार्य यथासंभव रूप से जारी रहेंगे।
छुट्टी है स्कूल कॉलेज में शीतलहर को भी देखते हुए है, और ये देखा जा रहा है कि मैंने जो भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें हम लोगों ने छुट्टियां दी नहीं है इस साल, तो उसके लिए हम लोगों ने 10 तारीख को चुना है, उसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। तो उसके बावजूद भी कई स्कूल अभी नहीं 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 खुलेंगे, उसको सुनिश्चित कराएंगे। देवप्रयाग विधानसभा में छेनाधार स्थित माधो सिंह भंडारी स्मारक पर पूजा अर्चना के साथ सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ हुआ। इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वहीं राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सांस्कृतिक मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेला स्थल पर लगे स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और माधव सिंह भंडारी के नृत्य नाटिका का सुंदर मंचन किया गया। वहीं योगेश भट्ट ने कहा कि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेला ऐतिहासिक विरासत है, इस इतिहास से सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने मेला आयोजन को लेकर समिति की सराहना की है। अपने स्तर पर हमने काम प्रयास करेंगे, और अभी मुझे आज ही जानकारी प्राप्त हुई कि इस मेले को जो है राजकीय मेला घोषित किया गया है इस बार से, और बड़े हर्ष की बात है। सब लोग इसके लिए जो आयोजक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस परिकल्पना के साथ मेला शुरू किया उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है इस बात के लिए लेकर, और आगे भविष्य में ये मेला और बढ़े और इसका स्वरूप निखर कर आए, इसके लिए हम अपने स्तर से जो भी प्रयास होगा वो किया जाए। रुद्रपुर के हल्द्वानी मार्ग पर कार की चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई। यह हादसा तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा जंगल के क्षेत्र अंतर्गत में हुआ। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाघ के शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं मृतक बाघ की उम्र 6 वर्ष बताई गई है। हादसे के बाद मौके पर भीड़ का जमावड़ा लग गया। ऋषिकेश की श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का दूसरा साथी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने घर से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की है। आरोपियों ने बाइक पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। SP देहात कमलेश उपाध्याय ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 13 दिसंबर को श्यामपुर निवासी सुरेंद्र जोशी के बंद पड़े घर में चोरी की वारदात होती थी। चौकी प्रभारी टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान सोनू निवासी देहरादून के रूप में हुई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने भाई भूरा के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वह दोनों गली गली घूमकर गैस चूल्हा रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। और फिलहाल के लिए A1 उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।